रहे हैं सच हस सरोकार। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का मंत्री पद से इस्तीफा, सीएम केजरीवाल ने मंजूर किया इस्तीफा। लाख में 4 करोड़ की जमीन लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को समन, सीबीआई का केस, बिना विज्ञापन रेलवे में नौकरी दी। उमेश हत्याकांड पर यूपी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर की चेतावनी, हाय तौबा ना करे, गाड़ी पलट भी सकती है। चित्रकूट जेल कांड में डिप्टी जेलर गिरफ्तार, मुख्तार अंसारी के बेटे बहू को जेल में मिलवाने का आरोप। भारत के भगोड़े रेपिस्ट नित्यानंद के दूत यूएन में इकोनॉमिक डिस्कशन का बनी हिस्सा। प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संबोधन किया और इस दौरान उन्होंने डिजिटल क्लॉक का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही डिजिटल क्लॉक विकास में मददगार साबित होगी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि नए रोजगार का सृजन होगा और कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। कानपुर में इरफान सोलंकी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई बल्कि अब और बढ़ गई है। पुलिस लगातार इरफान के मामले में जब्तीकरण की कार्यवाही कर रही है। सीसामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी से विधायक इरफान सोलंकी की संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पुलिस ने इरफान के मददगार शौकत पहलवान का जाजमऊ के पास बने 21 करोड़ की कीमत के अपार्टमेंट को सील कर दिया है। ये मुकदमा अपराध संख्या 156/22 थाना फेलखाना पर दर्ज है। विरुद्ध इरफान सोलंकी और 4 और लोग हैं जो उनके गैंग के सदस्य, अंदर गैंगस्टर एक्ट, उसी के अंतर्गत हम लोग आज 14-1 की कार्रवाई यहां स्वर्ण जयंती विस्तार कोयला नगर अंतर्गत थाना चकेरी में जो 4 प्लॉट्स हैं उनको आज राजहितबद्ध किया जा रहा है। इन 4 प्लॉट्स का कुल बाजारी मूल्य लगभग 7 से 8 करोड़ के आसपास अभी वर्तमान समय में है। हम लोग आज उसे सीज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, 4 प्लॉट में कितने कितने नाम पे ये प्लॉट है? ये सारे प्लॉट्स इरफान सोलंकी के नाम पर हैं। इसके बाद आगे भी कार्रवाई होगी? कहाँ कार्रवाई लगातार जारी है। जैसे जैसे हम लोग क्लैरिटी हम लोगों को मिल रही है, जब तक हम लोग कंफर्म होते जा रहे हैं वैसे ही कार्रवाई आगे प्रचलित रखे। लखनऊ में डीएम सूर्यपाल गंगवार ने होली के त्यौहार को देखते हुए पीसी के है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होली के त्यौहार को शांतिपूर्ण मनाए जाने की अपील की है। डीएम ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिजली विभाग के अधिकारियों को भी डीएम ने आदेश दिए हैं होलिका के ऊपर जाने वाले तार व खम्भों को चेक कराकर रिपोर्ट देने की बात कही है। मैं जनमानस से ये निवेदन करना चाहूँगा कि होली का त्यौहार बहुत ही उत्साह का, और जिसमें आप रंग गुलाल भी लगाते हैं और होली मिलन की भी परंपरा रही है, तो एक दूसरे से मेल मिलाप भी होता है। इसमें जब आप होली का त्यौहार मना रहे हों तो अपने आचरण में एक संयम, एक डिसिप्लिन, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने आचरण से दूसरों को कष्ट ना पहुंचाएं, दूसरों को दुख ना पहुंचाएं, तभी तक हमारा जो उत्सव है या जो पर्व है वो अपने सही रूप में चलता है। अगर कोई भी व्यक्ति शराब पीकर या वाहनों पर अनियंत्रित तरीके से बाइकें चलाते हुए इस तरह की अगर कोई गतिविधि होगी तो उस पर पुलिस सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी, जिससे कि माहौल बिगड़ने ना पाए।
प्रयागराज में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी बीपी यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 39 जोड़ों का हिंदू धर्म रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया गया। जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक दूसरे से जिंदगी भर निभाने का वादा किया। कार्यक्रम में चेयरमैन समेत ग्राम पंचायत अधिकारी मौजूद रहे। आज विकास कन्हैया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 39 जोड़ों की शादी कराई गई है। 45 जोड़े रजिस्टर्ड हुए थे, 39 जोड़ों की शादी हुई है और सरकार की तरफ से 35,000 रुपया नगद धनराशि लड़की के खाते में जाता है। 10,000 रुपये के सामान दिए जाते हैं लड़की के और लड़के के लिए, दोनों के लिए सामान दिए जाते हैं। शेष जो पैसा बचता है उनके शादी ब्याह पे खर्च करने की ये खर्च किए जाते हैं। 39 जोड़ों की आज शादी हुई, जो कि 43 का रजिस्ट्रेशन था जिसमें किन्हीं कारण से चार लोग नहीं आ पाए। 39 लोगों का हम लोग ने आज शादी संपन्न कराया। जो सामूहिक विवाह में 51,000 रुपये हमको गवर्नमेंट तरफ से मिलता है उसको हम लोग बनाते हैं, करीब 65,000-70,000 बनाते हैं। तो हम उनसे भी कहेंगे कि आप भी कल हमारे साथ मिलके उन गरीब का सहयोग करें, पहले तो अपना जो है उसको ग्रहण करें, उसमें लाज शर्म कुछ नहीं है। खबर उन्नाव से है जहां अलग अलग स्थानों पर चोरी की 10 घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 शातिरों को दबोच लिया गया है। हालांकि गिरोह के 4 शातिर अपराधी दबिश के दौरान भागने में सफल रहे। आपको बता दें कि ये चोर रेकी करके शादी समारोह में जाने वाले खाली घरों को निशाना बनाकर वारदात को अंजाम देते थे। इसके साथ ही चोरों के पास से भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात मिले हैं। एक चोरों का गैंग फतेहपुर 84 पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये लोग जो खाली घर थे उसको निशाना बनाते थे, पहले रेकी करती थी इनकी टीम और रेकी करने के बाद दूसरी टीम जाकर के वहाँ पे घटना कारित करती थी। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि इसका मोबाइल नंबर वहाँ पे ना दिखाई पड़े, इस वजह से ये ऐसा करते थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान कल रात इनको गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से स्कॉर्पियो गाड़ी और इनके निशादेही पर और जो चोरी के सामान है वो बरामद किए गए, जिसमें कि काफ़ी संख्या में और भारी मात्रा में जो जेवरात हैं वो भी मिले हैं, सोने चांदी के जेवरात। इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास प्रकाश में आ रहा है। हम इसमें और गहराई से इसकी जांच करेंगे और इन अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत करके इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। राजधानी में एक बार फिर से बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने बदमाशों को इकाना स्टेडियम के पास की झाड़ियों से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि डीसीपी राहुल राज ने प्रेस वार्ता कर बताया कि तीनों बदमाशों को पकड़ लिया गया है। ये अभियुक्त बेहद ही शातिर किस्म के और इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी कई जोनों में है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से एक तमंचा, अवैध देशी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जिसमें आज एक भारी सफलता मिली है इस टीम को। और ज्वाइंट एफर्ट में इकाना स्टेडियम के पास मस्ते मऊ की तरफ जाने वाली झाड़ियों के बीच में मुखबिर से इन लोगों को सूचना मिली और सर्विलांस के जरिए भी कि बदमाश जो है इधर छिपे हुए हैं। हमारी पुलिस टीम ने बदमाशों को घेरा, जिसमें बदमाशों ने फिर पुलिस टीम पर फिर फायर किया। ये इतने शातिर बदमाश हैं कि उस दिन भी फायर किए थे और आज फिर फायर किए, लेकिन हमारी पुलिस टीम ने अपने को सुरक्षित रखते हुए और घेर करके इसमें 3 बदमाशों को पकड़ा है। ये तीनों बदमाश जौनपुर के रहने वाले हैं, सिंगरा मऊ थाने के। एक शशांक सिंह है, दूसरा जयेश पाल है और तीसरा गुडलक तिवारी है। कानपुर में काकादेव थाना क्षेत्र में हुई लूट और हत्याकांड का पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया है। पुलिस ने लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका खुलासा डीसीपी ने प्रेस वार्ता कर दिया। डीसीपी ने बताया कि आरोपी के पास से सिम कार्ड और आधार कार्ड बरामद हुआ है। जो मृतक थे अंशु सिंह, उनके जो मोबाइल था वो उस टाइम पे नहीं मिला था, साथ ही साथ उनका पर्स और जो आधार कार्ड वो सारी चीजें गायब थी। तो प्रथम दृष्टया देख के यही लग रहा था कि सामान इनसे ले लिया गया, लूट करके ही शायद इनका मर्डर कर दिया गया। उसी पैटर्न पे पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई, तो जो उनका मोबाइल था वो चलती हुई हालत में चल रहा था, तो उसको हम लोगों ने ट्रेस करते हुए जो एक व्यक्ति है आनंद शुक्ला करके, उसके पास जाके हमें उसकी लोकेशन वगैरह मिली है। जब उसको पकड़ा गया तो उसने बताया कि उसी ने ये घटना को कारित किया था, जिस दिन गुमशुदगी हुई थी 17 तारीख को, उस दिन ये आना जो मृतक है अंशु वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए, तो इसने देखा और इसको शायद लगा कि वहाँ पे ये चरस वगैरह मिल सकती है, तो इसी बात को लेके उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ
और आनंद पहले भी है, ये हैबिचुअल है, इसके ऊपर दो मुकदमे पहले भी हैं लूट के, इसी प्रकार से मारपीट करके मोबाइल छीनने के। जो आरोपी है उसके पास से मृतक का आधार कार्ड और सिम कार्ड मिल गया है, और उसने ये बताया कि मोबाइल भी शायद उसने किसी को दे दिया है, फेंक दिया है, जो भी अभी उसने इस चीज़ को बताया। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम उसका पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे ताकि मोबाइल को भी बरामद किया जा सके और जो विवेचना और उसको पुख्ता किया जा सके ताकि इसको सजा दिलाई जा सके। हरदोई में प्रेम प्रसंग के चलते युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि प्रेमी और उसके परिवारजनों के गाली गलौज और धमकियों से आहत होकर घर के अंदर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये ग्राम भटौली है, हरपालपुर थाना क्षेत्र में, वहाँ पे विश्राम नाम के व्यक्ति हैं, उनकी पुत्री 19 वर्षीय पुत्री, जिसका गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और 2 दिन पहले वो गांव घर में आया भी था और इन लोगों को धमकी वगैरह भी देके गया था और इन्होंने अपनी पुत्री की शादी कहीं तय की थी, इसी बात को लेकर वो धमकी दे रहा था, जान से मारने की धमकी दे रहा था। इससे आहत होकर घर में ही कमरे के अंदर इनकी पुत्री ने सुबह आत्महत्या कर ली। शव को पंचायतनामा हेतु भेजा गया है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और तहरीर लेकर FIR पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही नामजद अभियुक्तों, जिसमें 3 लोग नामजद हैं, उनके शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। सर, कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ क्या? अभी तक की जांच में नहीं मिला है, लेकिन अभी हम लोग गहराई से इसकी छानबीन। स्टंटबाजी का दौर लगातार जारी है। एक बार फिर से गाजियाबाद में स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ युवक कार पर रील बनाते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो में युवकों पर कार्रवाई भी की है। आपको बता दें कि DCP ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर सोशल मीडिया पर वायरल हुई ये स्टंटबाजी का वीडियो है। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता को सूचना प्राप्त हुई कि कृषि भूमि पर कई अवैध औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं, जिनसे भारी मात्रा में वायु प्रदूषण फैल रहा है। इसी को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। उड़नदस्ते ने 3 अवैध फैक्ट्रियों पर छापा मारा है। पुलिस ने पाया कि 3 वर्कशॉप में स्क्रैप एल्यूमिनियम को भट्टियों में पिघलाकर सिल्ली बनाई जाती थी। भट्टियों में कोयला व लकड़ी को जलाया जाता था, जिससे प्रदूषण फैलता है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय प्रशासन जैसे DTP विभाग और पॉल्यूशन और बिजली बोर्ड के साथ नेकपुर और कुरशीपुर के बीच में 2 गांव जो हैं हमारे, उनके बीच में जो अवैध रूप से जो भट्टियां चल रही है उनके ऊपर आज रेड की है और 3 भट्टियां वहाँ चलती हुई मिली हैं फिलहाल। तो उन 3 भट्टियों पर जो भी अनियमितताएँ पाई गई हैं, जैसे बिजली विभाग, जैसे कमर्शियल यूज करना बिजली कनेक्शन का, और DTP के द्वारा जो कमर्शियल बिना एक्टिविटी जो की जा रही है उन पर, और विशेष रूप से पोल्यूशन डिपार्टमेंट के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि सूचना थी कि इन जो भट्टियाँ हैं इनमें भारी मात्रा में पोल्यूशन फैलाया जा रहा है, तो अब विधिवत कार्रवाई उन पर की जा रही है। आगरा में युवक की धारदार हथियार से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करने के बाद सुपुर्द खाक किया। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी और हंगामा किया है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 27 तारीख को शाम में लगभग 7:30 बजे आबिद पुत्र वाकर की डंडों से पीट पीट कर लहूलुहान किया गया था और हॉस्पिटल उसे ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल इस मामले में उनके पिता के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और जो उनके द्वारा लोगों को नामजद किया गया है उनमें 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। होली त्योहार से पहले पुलिस अपराधियों पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही पुलिस ने शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर अवैध शराब की 125 पेटी बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाए जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28 फरवरी 2023 को थाना बीबीनगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को कुचेसर रोड लुतपुरा बम्बे के पास से 125 पेटी अवैध शराब, अंग्रेजी
में एक एम्बुलेंस गाड़ी के गिरफ्तार किया गया है। और अयोध्या में अराजक तत्वों का तांडव दिखाई दिया है। यहाँ अराजक तत्वों ने बाइक पर सवार होकर घरों में पत्थर बरसाए और भाग निकले। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुट गई है। करीब रात के 11:30 बजे लोग आए, कुछ लड़के, और ईंट पत्थर फेंक के और निकल गए। और घर पे कोई था नहीं, गाली गलौज करने लगे और दरवाजे पे ईंट पत्थर फेंकने लगे। ये लड़के थे, ये टंटन गुप्ता, ध्रुव सक्सेना, राजदीप, और ये गुंडे उंडे ये लड़के थे, और लड़के थे उन लोगों की देख नहीं पाया। इन लोगों ने क्यों ये घटना को अंजाम दिया, किस वजह से? कोई दुश्मनी है, रंजित है, क्या है? दुश्मनी उश्मनी कुछ नहीं है, ऐसी लड़ाई झगड़ा करते रहते, वो तो ऐसे घूमते रहते। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके संबंध में जांच की गई, जिसमें पाया गया कि वीडियो थाना कोतवाली औरैया क्षेत्र के सत्येश्वर मोहल्ले का है, जिसमें कुछ लड़कों द्वारा रात्रि में एक घर पर जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है और पीड़ित द्वारा दिए गए तहरीर के अनुसार जो है मुकदमा पंजीबद्ध किया जा रहा है। अमरोहा में पुलिस ने होली के त्यौहार को देखते हुए नजरपैनी कर ली है। एसपी के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। आपको बता दें कि इस अभियान में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है। इसके साथ साथ पुलिस ने 24 पेटी शराब भी बरामद की है। इसी अभियान के क्रम में आज थाना गजरौरा पुलिस द्वारा प्रातः चौकी ब्रजघाट पर चेकिंग के दौरान एक यूवी कार रंग काला को चेक किया गया, तो इसमें अवैध रूप से लाई गई हरियाणा मार्का 24 पेटी कुल 288 बोतल अवैध शराब बरामद हुई है, जिसमें 2 अभियुक्त सुक्कन व राजू गिरफ्तार किए गए हैं। सुक्कन जो मूल रूप से थाना सैद नगली क्षेत्र का रहने वाला है तथा राजू मुरादाबाद का रहने वाला है। इन लोगों से विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है। अब तक की पूछताछ में शराब इनके द्वारा हरियाणा से अवैध रूप से तस्करी कर लाकर मुरादाबाद व अन्य आसपास के क्षेत्र में बेचना संज्ञान में आया है। फिर भी विस्तृत पूछताछ में जैसे भी तथ्य आगे संज्ञान में आएंगे, तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बरामदगी के संबंध में थाना गजरौला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ में 2 पड़ोसी दोस्त अपने ही दोस्त को देर शाम उसके घर से बुलाकर अपने साथ ले गए और सुनसान जगह ले जाकर जहरीला पदार्थ खिलाकर मार दिया। मारने के बाद अपने दोस्त को मरा हुआ समझकर नाली में फेंक दिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद से फरार हो गए। मर हालत में पड़े युवक पर जब लोगों की नजर पड़ी तो लोगों का जमावड़ा लग गया। परिजन पीड़ित को अस्पताल ले गए। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से घटना की जानकारी करते हुए पुलिस आगे की मामले में जांच में जुट गई है। अरे ऐसा हुआ था, हमारा भाई शाम को 7 बजे बाहर गया था दोस्तों के साथ। क्या नाम है आपके भाई? नफीश। अच्छा। दोस्त ले गए बुला के। कौन दोस्त ले गए थे? आदिल और शानू। अच्छा, क्या हुआ फिर वहाँ पर? ले गए, फिर सूचना आई भाई के पास, छोटे वाले के, कैसे ऐसे बात हो गई, आपके भाई वहाँ पर पढ़ा है आईटीओ कॉलेज के पास गड्ढे में। किस हालत में मिला आपको? बहुत गंभीर हालत थी, सारा वो परेशान, मतलब नशीला पदार्थ दिया गया उसे? ये पता नहीं क्या दिया था। फिर हम मेडिकल लेकर गए थे तो उसमें नशीली चीज खिलाई गई जहर। फरीदाबाद में कलयुगी पत्नी ने अपने ही पति को परिवार के लोगों से घर में बंधक बनाकर पिटवाया। पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी उस पर शक करती है, जिसे लेकर उसने अपने मायके से लोगों को बुलवाया और घर में बंधक बनाकर बुरी तरीके से पीटा, जिसके बाद पीड़ित बुरी तरह से घायल हो गया और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस को सूचना देकर पत्नी और उसके परिवार के लोगों पर कार्रवाई करने के लिए शिकायत की है। कुछ भी नहीं, उस दूसरी लेडीज कर रखी है इसने, वहाँ इसका जीजा कह रहा है मैं रखूंगा और ये कह रहा है मैं रखूंगा, वहीं पे मारपीट हुई है इनकी, कहीं जंगल उंगल पता नहीं कहाँ पे हुई है, और मुझे ये भगाना चाहता है। 10 साल से इसने मुझे निकाल रखी है घर से, और जो 6 आदमी आए थे और 4 औरत आई थी मुझे मारने के लिए, यहाँ आथा पाई की है खूब घर में उस लेडीज ने, और खुद मेरा पति मुझे निकलवाना चाहता है।
मामला ये है जी, वो गलत फहमी रखती है, तो ये कहता मैं, वो कहती है तो लेडीज रखता है, ठीक है, मैंने उसे कह दी तो लेडीज रखता हूँ, तो पहले भी 5 साल तक वो मायके बैठी रही है अपने में, इसमें माँ कोर्ट कचहरी हो चुके हैं, फिर वहाँ से फिर उसमें वापसी घर आ गई है, इसमें उसके बाद वो झगड़ा करती रहती है मेरे से। कौन है वो? वो घरवाली। घरवाली, हाँ सर। कल ये राकेश और उसके परिवार वाले आए थे और केवल एक मेडिकल की कह के हम मेडिकल करवाने जा रहे हैं चले गए थे, और इन्होंने अभी तक कोई लिखित दरखास्त पुलिस को नहीं दी है। परसों इसकी मिसिज ने एक दरखास्त दी थी कि मेरे पति ने 2 वाइफ रख रखी हैं और उसको भी एक बच्चा पैदा कर रखा है, इतना उन्होंने बताया था। और उसने ये बताया था कि जो दूसरी इसके पति की पत्नी है वो इसके घर के सामने आके और गली में हंगामा करके गई थी, इनको धमकियों पर दे के गई थी। मामले की जांच अभी चल रही है। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।